शरदा ना अमली दे रखे ने नराते था था ते नित नित हुंदे जगराते नित पूजा हुंदी मेरी मां दे द्वार ते नचदी जाऊंगी मैं भी मां दे दरबार ते। शारदीय नवरात्रों की आज शुरुआत हो चुकी है और मां बावे वाली के दर्शनों के लिए जम्मू वासी पहुंच रहे हैं और उत्साह और जो श्रद्धा है वो लोगों में देखते हुए ही बन रहा है। अभी यहाँ पर अगर बात की जाए तो नवरात्रों की आज पहला नवरात्रा और सभी यही चाहते हैं कि पहले दिन जो है माँ का आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेकर वापस जाए और मनोकामनाएं भी उनकी जल्द जो है वो पूरी हो। जम्मू की बात की जाए तो माँ बावे वाली ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों की आस्था जो है वो देखते ही बनती है, हर कोई यहाँ आना चाहता है और आज का एक ख़ास महत्व भी रहता है क्योंकि माँ दुर्गा आदिशक्ति की बात की जाए तो ये जो शारदीय नवरात्रे हैं उन्हें समर्पित किए जाते हैं। और आज व्रत की बात की जाए तो बहुत सारे लोग व्रत जो है वो भी रखते हैं, माँ का जो घर में जो है वो आगमन होता है, साख जो है वो रखी जाती है, 9 दिन माँ की पूजा जो है बहुत ही विधि विधान से वो की जाती है और यहाँ जयकारों के साथ भी माँ बावे वाली के दर्शनों के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। कल ही श्राद्ध खत्म हुए थे और आज पहला नवरात्रा जो है शारदीय नवरात्रा जो है वो शुरुआत हुई और बहुत ही उत्साह के साथ सभी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ के जयकारे भी चल रहे हैं और लगातार लोगों का आना जाना जो है वो माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पर चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको माँ बावे वाले के मंदिर से दिखा रहे हैं। खुश जय माता दी सारे, मैं हर साल रोज़ बावे आता हूँ और साथ में अभी देखा BAP मूवमेंट थी तो तब भी इन्होंने आने दिया, नहीं तो आने नहीं देते हैं। तो साथ में मैं चाहता हूँ लोगों को आए महा बावे वाले दरबार में और माथा टेके पुण्य के बागी बने। जय माता दी, देखो मनाना चाहिए, हमारा फेस्टिवल है, बावे वाली माता सबको रक्षा करती है और सब धन पाक से काबू करें। आए साथ में मेरे को जात भूल के माल बांधने का, क्योंकि इधर बावे वाली माता के दरबार में जब आना पड़ता है रुमाल सिर पे होना चाहिए। तो फिर चार साल और इस साल के व्यवस्था में क्या बदलाव दिखता है? बदलाव यही देख रहे हैं कि देखो जी इधर सेवादार जो लगे हैं माता रानी के, जो लोगों को अपनी लाइनों में चला रहे हैं, पर लाइनों में ही आना चाहिए। मेरे को उन्होंने आने दिया क्योंकि मैं हर साल रोज आता हूँ, तो इसलिए इन्होंने मेरे को आने दिया। हम चाहते हैं कि ये नवरात्रे हैं जो अच्छे तरीके से मनाए जाएं और बारी बारी आ जाएं, इतना रश नहीं करें, आराम से आएं, कोई माता के दरबार में कोई कमी नहीं होती है, सबको दर्शन मिलेंगे उनकी, जहां भी जाओ आराम से जाओ, चाहे वैष्णो माता जाओ, कहीं भी जाओ आराम से जाएं और खुशहाली के लिए सुख शांति हो अपने जम्मू एंड कश्मीर में। माँ का आशीर्वाद हर भक्त पर, हर श्रद्धालु पर बना रहे, जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हो, जो नहीं भी आ पा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद उन पर भी बना रहेगा क्योंकि माँ कृपालु है और हर एक का ध्यान जो है वो रखती है, अपने जितने भी श्रद्धालु हैं भक्त हैं उन्हें बच्चों की तरह रखती है और बच्चों का माँ जो है आप समझते हैं कि माँ के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं और इसी तरीके से बच्चों की तरह से सभी लोग यहाँ पर अब लगातार दर्शनों के लिए आ रहे हैं। माँ बावे वाली का जयकारा लगातार यहाँ पर चल रहा है और आशीर्वाद सब भक्तों पर जो है माँ का हमेशा बना रहता है और जम्मू में तो खासतौर पर अगर बात की जाए तो माँ बावे वाली के दर्शनों के लिए लगातार लोगों का आना बना रहता है, लेकिन नवरात्रों की बात की जाए तो ये महत्व जो है नवरात्रों में और बढ़ जाता है और शुभ हो जाता है क्योंकि नवरात्रे शारदीय नवरात्रों की बात की जाए तो माँ दुर्गा शक्ति आदिशक्ति की बात की जाए तो उन्हें पूरे तरीके से समर्पित है और आज उन्हीं के दर्शनों के लिए लगातार जम्मू वासी जो है माँ बावे वाली के दरबार में पहुँच रहे हैं।